स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ फिलहाल आइसलैंड ग्राउंड में और यहाँ पे है आपको लगा हुआ अंडर वाटर फिश एक्वेरियम में। ये आपको पड़ता है मरीना बीच के ठीक अपोजिट पड़ेगा आपको। और इसका जो टाइमिंग है अभी फिलहाल ये वीकडेज में आपको टाइमिंग पड़ेगा 3 बजे से 10 बजे तक है और वीकेंड्स में आपको 12 बजे से 10 बजे तक है। और जो इसका एंट्री फी है वो आपको 100 रुपये है पर पर्सन। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ऐसा कुछ दिखता है ये आपको पूरा। यहाँ पे पार्किंग वगैरह की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, 2-व्हीलर हो 4-व्हीलर हो बहुत स्पेस है पार्किंग के लिए। और 29 अक्टूबर तक ये लगा हुआ है फिलहाल, तो आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे पहुँच गया हूँ। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 2-व्हीलर 4-व्हीलर सबका पार्किंग वगैरह की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। और यहाँ से एंट्रेंस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे अंदर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और 100 रुपये इसका एंट्री चार्ज है। आपको मैं चल के अंदर दिखाता हूँ, भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे। अभी ये फ़िलहाल 29 अक्टूबर तक लगा हुआ है, तो वहाँ से आपको टिकट वगैरह मिल जाएगा। 100 रुपये पर पर्सन है टिकट का और यहाँ से आपको एंट्री देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने अभी टिकट कटवा लिया, ये मेरा टिकट रहा। आपको यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी मिल जाएगा, संडे को आपको थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाता है और वीक डेज में आपको थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से एंट्री है, तो चलिए एंट्री करते हैं। तो ये जो 2-3 सेक्शन है यहाँ पे आपको फ़िश वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। और वो जो है वो आपको अंडर वाटर फिश टनल है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है हमेशा की तरह, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी मछलियाँ देखने के लिए मिल जाएगी, अलग अलग तरीके का मछलियाँ है और सबको एक अलग अलग इसमें रखा गया है एक्वेरियम में। और इसके अंदर है आपको अंडर वाटर फिश टनल और भीड़ जैसा कि आप देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है। और इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है, जो 100 रुपीज़ का आपने टिकट कटवाया था उसी के अंदर आपको इसमें आप आ सकते हैं, कोई इसमें चार्जेस वगैरह नहीं है, कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जैसा कि आप भीड़ देख सकते हैं, एक अच्छी बात है यहाँ पे एसी वगैरह आपको लगा हुआ है तो गर्मी नहीं लग रही है यहाँ पे। कि जितनी यहाँ पे धूप रहती है, काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है और उस हिसाब से ठीक है। तो यहाँ से जल्द निकलते हैं, कुछ वैसा है नहीं कुछ खास दिखाने के लिए। और आगे में चलने के चलते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे है। तो फिश टनल से निकलने के बाद यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके का चीज़ मिलता है। ये आपको काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, डिज़ाइन वगैरह काफ़ी खूबसूरत है। ये जैसे यहाँ पे हाथी का स्टैचू है और भी अलग अलग तरीके का स्टैचू है। तो ये कुछ नया देखने के लिए मिला, जैसे हर एक स्टेट में आपको ये अंडर वाटर फिश एक्वेरियम लगाया गया है। और ये चेन्नई में मैंने बैंगलोर का भी बनाया था, उसमें इतने अच्छे से नहीं सजाया गया था। ये काफ़ी कुछ नया यूनिक चीज़ देखने के लिए मिला और ये व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कमाल का लग रहा है। और जो मेन खास बात थी कि अंडर वाटर फिश टनल में जो इतनी भीड़ थी वहाँ पर आपको एसी वगैरह लगाया गया था, जो कि बहुत ज़रूरी थी, भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे जितने भी स्टैचू हैं सब लोग फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं। अगर इसके बारे में डिटेल वगैरह भी दिया रहता तो और ज़्यादा काफ़ी अच्छा रहता। जैसे जे ये नाव हो गया तो किस चीज़ का है, किस चीज़ के बारे में है, वो चीज़ नहीं बताया गया है। और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग वहाँ पे अंदर जा जा के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो ये चीज़ अगर थोड़ा डिटेल्स वगैरह बता दिया जाता तो और ज़्यादा अच्छा रहता, और वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे। वहाँ पर लोग फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है पूरा कॉटन से। तो अब इसके बाद हम लोग उधर से अंदर चलते हैं, वहाँ पे आपको स्टॉल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से शुरू होता है आपको स्टॉल्स वगैरह, जैसे मेला वगैरह में लगा रहता है। तो यहाँ पे हर स्टेट के आपको लोग वगैरह आए हुए हैं और वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पे स्टॉल्स में लगा के आपको सेल वगैरह कर रहे हैं। हर तरीके के आपको खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने से लेकर हर चीज़ है, गाड़ी वगैरह भी है। जैसे यहाँ पे 3 कुर्ती 1200 रुपये का आपको मिलेगा लेडीज़ वगैरह का। और यहाँ पर खाने पीने का हो गया, स्नैक्स वगैरह आप टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, लोग जैसे कि यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप कोई भी स्नैक्स वगैरह लेके और बिना ऑयल के आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप डेमो देख सकते हैं,
और इसका जो चार्जेस वगैरह है वो आपको 2000 के करीब पड़ जाएगा। इतना सब जो आइटम है जो कि आप ऑयल में वगैरह में बनाते हैं या आप बिना ऑयल के बना सकते हैं इसमें, इस प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि अंकल अभी दिखा रहे हैं, ये थोड़ी देर में बिना ऑयल के बन के स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब पॉपकॉर्न हो गया, ये बिना ऑयल का है बना हुआ। तो ऐसे कुछ अभी चिप्स डालें और ये जो चिप्स है आपको बिना ऑयल के, बिना ऑयल डाले हुए ये चिप्स बन के तैयार हो गया है और एकदम रियल है ये चिप्स। और ये अभी चिप्स कच्चा चिप्स डाले हैं और ये भी अभी थोड़ी देर में ये निकलेगा बिना ऑयल के। ये जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर में हीट से ही ये आपको पक जाता है और जब पक जाएगा तो ये अपने आप ऊपर से यहाँ पे निकल जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आप बिना ऑयल की मदद से बना सकते हैं इस मशीन के थ्रू। इसका सिर्फ जो प्राइस है सिर्फ 2000 रुपये है, देखिए वो बन के निकल रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी यहाँ पे इस मेले में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर और बाहर देखते हैं और क्या क्या है। तो बाहर में कुछ आपको ऐसा मेला वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी और भी है, झूला वगैरह है। तो आगे चलते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। आई थिंक 100 रुपये इनफ है यहाँ पे, 100 रुपये में। और जो झूला वगैरह का चार्जेस है वो आपको थोड़ा अलग से पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे बच्चों के खेलने के लिए आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, इसका अलग चार्जेस है, ये टिकट में इंक्लूड नहीं है। और काफ़ी बड़े एरिया में है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा वहाँ तक है, आपको जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक है। और यहाँ पे हॉरर शो वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, उसका अलग चार्जेस है आपको, और बच्चों के खेलने के लिए भी है, सबका अलग 50 रुपीज़ चार्जेस है, 50 रुपीज़ पर सभी बच्चों के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में अगर आप 120 सेकेंड्स अगर आप लटकते हैं तो वो आपको टेडी बियर मिलेगा, और 150 सेकेंड्स अगर आप लटकते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ इनाम मिलेगा। उस पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 100 रुपीज़ चार्जेस है। तो ये है। और यहाँ पे आपको हॉरर शो वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, इसका भी अलग चार्जेस है। तो ऐसे लाइन से आपको काफ़ी ज़्यादा गेम्स वगैरह और एक्टिविटीज़ वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पेंट बॉल है, यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ में आपको 3 शॉट मिलेगा आपको शूट करने का, और वहाँ पे आप निशाना वगैरह लगा सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे स्नो बॉल हो गया और मिरर हाउस हो गया, तो स्नो बॉल वहाँ पे है और ये आपको हो गया मिरर हाउस, ये आपको हो गया मिरर हाउस। तो एक तरह से यही सब है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइस आपको अगर आप बात करें तो यहाँ पे 10 रुपये से स्टार्ट है आपको जितने भी प्लास्टिक वगैरह के सामान हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये से स्टार्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पे साड़ी हो गया 298 से स्टार्ट है, तो उसका प्राइस वगैरह लिखा हुआ है बाई वन गेट टू फ्री। ओ वाओ, तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं लेडीज़ का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है यहाँ पे, आई थिंक जेंट्स का नहीं है, लेडीज़ का कलेक्शन है ज़्यादा। तो चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ नया देखने के लिए मिल जाता है, ये ऐसा सेटअप लगा हुआ है आपको 50 रुपीज़ में, आपको आप अपना खुद का वीडियो बना सकते हैं ऐसे, जैसे रील्स वगैरह में आपने काफ़ी देखा होगा यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे टीवी पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ऐसे यहाँ पे गोल गोल कैमरा मोबाइल आप सेटअप कर दीजिए वहाँ पे, और पूरा सेटअप किया गया है पूरा। ये आपको 50 रुपीज़ में आपको 1 मिनट का वीडियो शूट कर सकते हैं और मोबाइल ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो ऐसा चीज़ें आपको ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और काफ़ी बड़े एरिए में आपको लाइन से आपको स्टॉल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। और आगे में चल के आगे में आपको झूला वगैरह है तो वो भी आपको दिखाऊंगा, अगर कुछ बीच में आपको नया मिला तो वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपको एक स्केरी हाउस एक और मिल जाता है, और एनआर ये आपको फिश स्पा हो गया। तो सबका आपको जो चार्जेस है 50 रुपये से 80 रुपये के बीच में है, जो कि काफ़ी कम है। और यहाँ पर आपको 3D शो वगैरह दिखाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। तो अब ये जो सेक्शन शुरू हो रहा है ये आपको झूला वगैरह, ये बच्चे बड़ों सबके लिए है यहाँ पे, और वहाँ पे बड़ा झूला है, यहाँ पे छोटा झूला है आपको बच्चे के लिए, यहाँ पे बोटिंग वगैरह के लिए है। और ये टॉय ट्रेन हो गया, और आगे में आपको बड़ा झूला दिख रहा होगा, ये देखिए बड़ा झूला। यहाँ पे हाथ से बनी हुई चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे पिल्लो कवर हो गया आपको, डोरमेट हो गया, 4 पीस आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में मिलेगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बहुत सारी देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। आपको फिर से यहाँ पे शूटिंग वगैरह का गेम है, जैसे गेम
गम शॉट है, ये सब आपको 5 चांस आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में। तो ये लाइन से जो है ये आपको शूटिंग वगैरह का है, जैसे वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं जैसे ड्रैगन ट्रेन हो गया। तो यहाँ पे आपको ये सब आपको झूला देखने के लिए मिल जाएगा, कि ये हो गया नाव वाला हो गया और ये सब हो गया। ये सब अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले ही खुला है। और ये दो तरीके का झूला है, दोनों सेम ही है, ये थोड़ा छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। और इसका जो चार्जेस है आपको 100 रुपये है। और एक आपको नया एक और झूला मिल जाएगा, ये काफ़ी डेंजर लग रहा है। और यहाँ पे आपको बच्चे वगैरह के देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहीं तक था आपको, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए